अरे करो ना गिरफ्तार, रुको रुको ना यार, यार मैं सामने बैठा हूँ। अरे रुको यार, गिरफ्तार तो मुकदमा चलाने क्या मुकदमा दिखाने के लिए करते हो लोगों को, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? करो करो ना, दम है तो करो गिरफ्तार। उन्होंने बताया ना पॉलिसी बैठे, पॉलिसी बैठे मुकदमे करोगे। चलो हमारे एस एस पी का नाम लोगे फिर कोई बात, चलो अब जैसे हो गया वो बात हो गई। अब इसको करके हम चलाएंगे इस मेरठ को, इनकी जरूरत। हिंदुओं पे मुकदमा दर्ज करा तुमने, पीटे हुए पे जो अल्पसंख्यक है वहां पर, ये हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर, और जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है एसपीसीटी साहब आप भाई भाई हमला करा रहे हो। मैं आपकी जिम्मेवारी तय कर रहा हूँ इस केस में, ये आपके कारण हुआ है हमारे लोग पिटे और हमारे लोगों पे मुकदमा। अभी आप जानते नहीं मेरठ का इतिहास, अभी आपको पता नहीं है। आपने जो बात करी है ना, आपने जो ये करा है, सुनो भाई साहब बात सुनने की है, कोई एक थोड़ी आएगा लाइन लगा देंगे तुम्हारे दरवाजे पे। नहीं बात क्या कह दोगे तुम, तुमने मुकदमा दर्ज कैसे करा हिंदुओं पे? आपने बैलेंस करने के लिए मुकदमा कैसे दर्ज करा? आप सारे खत्म कर दोगे? आप क्या समझ रहे हो कि हम भाड़े के टट्टू हैं? आप पूरी बात सुनो, आपने मुकदमा दर्ज कैसे करा एसपीसीटी साहब हिंदुओं पे? यही पीटे इन्हीं पे मुकदमा दर्ज करोगे? ये अल्पसंख्यक है यहाँ पर, दांतों के बीच में जीभ की तरह से रहते ही है। एसपीसीटी वहां बाद में पहुंचे, मेरे से व्यक्ति का दुश्मनी निकालते हो, क्या चाहते हो तुम बताओ? क्या चाहते हो मेरे से? मुझे बंद करोगे? मुझे मेरा मर्डर कराओगे? तुम क्या चाहते हो तुम मेरे से? कि जाना छोड़ दूं? 1000 मुकदमे होंगे ना, जब भी नहीं छोड़ने का जाना थाना में जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा लगातार।